लोहे के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ये जूते उड़ेंगे कैसे। मैंने इन जूतों में खास तरह की प्रोग्रामिंग की है डैडी। अरे नीटू नीटू, आज आविष्कार का आखिरी दिन है, कल स्कूल में सबको अपना प्रोजेक्ट पेश करना है। जानता हूँ टीटा, और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। उड़ने वाले जूते बनाकर? हाँ, ये बहुत कमाल के जूते हैं। पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। देखना, फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलेगा। टीटा, तूने क्या बनाया है? मैं तो बस तेरे साथ हूँ। हम दोनों दोस्तों में सब 50-50 है ना? ये तो है, तू मेरा पक्का दोस्त है। चल कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट हम दोनों के नाम से स्कूल में जमा होगा। अब तो खुश है ना? पर इन मासूम बच्चों को कहाँ पता था कि किसी की बुरी नजर उनके प्रोजेक्ट पर पड़ चुकी है। डॉक्टर डेविन नाम है मेरा। इसके उड़ने वाले जूते मुझे मिल गए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सारी दुनिया को लूट सकता हूँ, हाँ, कुछ भी चुरा कर उड़ सकता हूँ। ये मेरे बहुत काम के है, ये मुझे ही मिलने चाहिए। हाँ। अब ये जूते मेरे हो गए नीटू, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे नीटू, ये हमारे जूते ले गया, अब हमारा क्या होगा? डॉक्टर डेविल, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? पहले भी कितनी बार मेरे हाथों हार चुके हो, पर कुत्ते की दुम की तरह कभी सीधे ही नहीं होते हो। क्या मतलब? तुमने जूते तो ले लिए, पर इसे चार्ज करने का तरीका तो तुम जानते ही नहीं। जब इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी ना, तो तुम मुंह के बल धरती पर आ गिरोगे। और हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि ये जूते बिजली के ट्रांसफार्मर से चार्ज होते हैं। यानी मैं ट्रांसफार्मर को छू लूंगा तो जूते चार्ज हो जाएंगे हैं? ओह, तुम तो सब जान गए। डॉक्टर डेविल नटखट नीटू और टीटा की बातों में आकर ये भूल गया कि उसका एक हाथ लोहे का है, और उसने बिजली के ट्रांसफार्मर को छू लिया, और फिर वही हुआ जो सब चाहते थे। अरे करंट लगा रे! डैडी, तुम जूते संभालो, और डॉक्टर डेविल, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए, वरना जंग लग जाता है। फिर से मार दे दी। अरे बेवकूफ, लोहे के हाथ को बिजली में डालोगे तो करंट तो लगेगा ही ना। मेरे लोहे के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि क्या जूते चार्ज करने के लिए करंट खाना पड़ेगा। नहीं टैडी, ये तो बैटरी से चलते हैं। वो तो हमने डॉक्टर डेविल का बैंड बजाना था, सो बजा दिया। क्या हुआ बनी, यूं मुलट कर रास्ते में क्यों खड़े हो? कहीं मेरे जैसा लोहे का दिमाग तो नहीं हो गया है तेरा? अरे नहीं नीटू, वो गली के मोड़ पर ठीका खड़ा है। उसने एक टॉर्च बनाई है, जहाँ कहीं भी चॉकलेट हो उसे वो छीन लेता है। यानी तेरी मनपसंद चॉकलेट वो डीगा छीन कर खा गया? हाँ, और अब एक और ली है, पर घर कैसे जाऊँ, वो फिर से छीन लेगा। तुम अपनी चॉकलेट नीटू को दो, फिर देखो हमारा कमाल। अपनी चॉकलेट को सुरक्षित रखने के लिए बिनी ने वैसा ही किया, पर तभी एक तेज रोशनी नटखट नीटू पर आकर पड़ती है, और सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ओह, तुमने कमीज के नीचे चॉकलेट छिपा रखी है, निकालो वरना। मैंने तो पहले ही कहा था, ये भी गई। चॉकलेट ले लो, पर इतनी चॉकलेट खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, दांतों में कीड़े लग जाएंगे। ये डेमोक्रेसी का जमाना है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। पर मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा था। मेरा फायदा तो चॉकलेट छीन कर खाने में है। तभी नीटू को मुसीबत में फंसा देखकर टीटा वहाँ आ जाता है। अरे वाह,
क्या बात है डीगा यार, डेमोक्रेसी में तो कोई कुछ भी कर सकता है। क्यों टेडी दी रोबोट? अरे टीटा, तू तो सही समय पर आया और सही आइडिया भी बताया। फिर तो टैडी, डेमोक्रेसी में जहाँ तुझे लोहे का लॉकेट देखे वहाँ तुम क्या करते हो? मैं वहाँ खूब गुदगुदी करता हूँ अपने लोहे के नरम नरम हाथों से। लॉकेट? वो तो मैंने पहना है। आउच! तो बेटा, गुदगुदी भी तो तेरी ही करने वाला है ये टैडी दी रोबोट। चल बेटा, पचा दे सारे छीने हुए चॉकलेट। अरे अरे क्या कर रहे हो? बस करो, मैं तो हंसते हंसते लोट पोट हो रहा हूँ, बस करो। मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि छीन कर चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। एकदम सही समझे डूड। भागो, जान बची तो लाखों पाए। और तुम भी बनी, ज्यादा जंक फूड और ज्यादा चॉकलेट मत खाना, वरना टैडी तुम्हारी भी गुदगुदी कर देगा। डेमोक्रेसी है। अपने ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? मैं हूँ खूनी तितली, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। बचाओ बचाओ बचाओ। पूरा का पूरा निगल जाती हूँ मैं। अपने ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? खूनी तितली से डरकर टीटा सीधे नटखट नीटो के घर की तरफ भागता है कि शायद वो ही कुछ कमाल कर दिखाए। बोलने वाली तितली, वो भी आदमखोर। टीटा, तू दिन में भी सपने देखने लगा है क्या? मैं सच कह रहा हूँ नीटू। ऐसा है तो चलकर ऐसी तितली का दीदार करना पड़ेगा, क्यों रोबोट भाई? बिल्कुल, मैं भी तो देखूं कितनी भयानक है वो तितली। तो आओ मेरे साथ, वो इसी इलाके में उड़ रही है। यानी हमारे इलाके में बिना परमिशन? ये तो क्राइम है। मेरी हर बात को मजाक में मत लिया करो नीटू। आओ नटखट नीटू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें खाकर मैं भी तुम्हारे जैसी बुद्धिमान हो जाऊंगी। ओह, तो टीटा का कहना सही था। अब आया ना मेरी बात पर विश्वास। ठीक है, तुम मुझे बड़े शौक से खा लेना, पर पहले इस रोबोट को खाकर दिखाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम जो कह रही हो वो कर भी सकती हो। मुझे मंजूर है। चलो रोबोट, फॉर्मूला नंबर 44। ओके बॉस। आ जा चूहे, तुझे तो बिना चबाए ही निगल जाऊंगी मैं। अब तू जाएगा सीधा मेरे पेट के अंदर। रोबोट को तितली ने निगल लिया, पर उसके पेट में जाते ही रोबोट ने अपना विस्फोटक यंत्र दबा दिया और विस्फोट से तितली के टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे वाह रोबोट, तू तो अभी भी जिंदा है। मैं अमर हूँ टीटा। तुम्हारे कहते ही मैं समझ गया था कि ये तितली यंत्र से बनी है जो किसी खुराफाती वैज्ञानिक ने बनाई है। तभी मैंने रोबोट को पहले भेजा और इसने उसके पेट में शॉर्ट सर्किट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यू आर जीनियस नटखट नीटू। और मैं हूँ सुपर रोबोट। श
शहर में रोबोट दानव के आते ही शहर धू धू कर जलने लगा। चारों तरफ बस आग ही आग फैली थी। लोग डर कर इधर उधर भाग रहे थे। तबाही, तबाही। अरे बाप रे, ये रोबोट दानव तो तबाही मचा रहा है। अरे बचाओ, बचाओ। इसे रोकेगा कौन? ये तो आग का शोला है। अरे नीटू, उस रोबोट दानव ने सारे शहर में तबाही मचा रखी है। कुछ करो ना प्लीज। मैं उसको खत्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जल्द ही मैं उस पर काबू पा लूंगा। तुम मुझे भेजो, मैं उसको खत्म कर दूंगा और अपने शहर को बचा लूंगा। थैंक यू रोबो, पर वो खतरनाक है और उसके पीछे जरूर डॉक्टर डेविल का हाथ है, इसीलिए मुझे उसी हिसाब से उससे निपटना होगा। तबाही, तबाही, पूरे शहर को जला दूंगा, यहाँ सब कुछ मिटा दूंगा, फिर यहाँ मेरे बॉस डॉक्टर डेविल का राज होगा। शाबाश जालिम रोबोट, तुम इस शहर से जीवन का नामो निशान मिटा दो। हम नया शहर बसाएंगे जहाँ सिर्फ जालिम लोग रहेंगे। ये सब कुछ जला देगा। बचाओ, कौन बचाएगा हमें? नीटू, वो हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है। बस अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे बादल उसे पिघला कर खत्म कर देंगे। ओ नटखट नीटू, तूने एक बार फिर मुझे मात दे दी है। अरे वाह नीटू, तू तो बारिश भी करवा सकता है। अब तो जब भी मेरा नहाने को जी करेगा तेरे से बारिश करवा लिया करूँगा। पर फिर तू रोबोट की तरह पिघल भी सकता है। अब तो ये 7 जन्म तक नहाने की नहीं सोचेगा। आकाश में उड़ते रंग बिरंगे बलून्स को देखकर ऐसा लगा जैसे शहर के हर बच्चे का आज हैप्पी बर्थडे है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस बार मेरे वार से ये शहर बच नहीं पाएगा और नटखट नीटू को तो हवा भी नहीं लगेगी कि मैंने क्या कमाल कर दिया। मेरे केमिकल से भरे गुब्बारे पूरे शहर पर छा जाएंगे और जब लोगों पर फूटेंगे तो वो मारे जाएंगे। अरे अरे जल गया, अरे बचाओ बचाओ। यार नीटू, मेला वाकई बढ़िया था, गुब्बारे तो रंग बिरंगे थे। सही कहा, बैलून फेस्टिवल हमारे शहर में पहली बार लगा है। हाँ, पर हमने टेडी को बलून लेकर नहीं दिया, बेचारा मांग मांग कर थक गया। ये नीटू है ही कंजूस, क्या हो जाता जो एक बलून दे देता तो। अरे यार मौका आने दो, ढेरों गुब्बारे खरीद दूंगा। ओह मर गए। जल गई। बचाओ बचाओ बचाओ। ये क्या हो रहा है, गुब्बारे इंसानों को मार रहे हैं? ओह डॉक्टर डेविल का नया खेल। पर चलो टैडी, तुम्हारा बैलून फोड़ने का टाइम आ गया है। एक एक को फोड़ दूंगा, रोबोट टैडी इन एक्शन। शाबाश टैडी, एक भी केमिकल बैलून बचना नहीं चाहिए। ओह ये तो नीटू का रोबोट है, यानी उसे मेरे प्लान का पता लग गया। ये हर बार मेरे प्लान को खराब कर देता है, एक ना एक दिन मैं इसे जरूर मार दूंगा। अरे वाह, कहां एक गुब्बारे को तरस रहा था और कहां ढेरों मिल गए टैडी को। हा, 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 सही कहा।
थैंक यू नीटू, तुमने लोगों की जान बचाकर नेक काम किया है। ये तो मेरा फर्ज था इंस्पेक्टर, और हर शहरी का यही फर्ज होना चाहिए। आज माया नगरी की गलियों में बांसुरी की मधुर धुन बज रही है। एक बांसुरी वाला जिस भी गली से गुजरता, वहाँ के सभी चूहे उसके पीछे पीछे चल पड़ते। ये चूहे मेरी बांसुरी की धुन के गुलाम हैं। मैं इनसे डरा कर सारा शहर लूट लूंगा। अरे बाप रे, इतने सारे चूहे, अगर किसी के पीछे पड़ गए तो काट काट कर मार ही डालेंगे। नीटू को बताना चाहिए। हाँ, चलता हूँ। चूहे कहाँ है चूहे? क्यों डरा रहा है टीटा? अरे शहर में एक बांसुरी वाला आया है, उसकी बांसुरी की धुन पर सारे चूहे उसके गुलाम हो जाते हैं। मुझे तो उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। यानी वो चूहों का डर दिखाकर लोगों से लूटपाट भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल। अब चूहों से होगा शेर का मुकाबला। हे, क्यों लड़के, तुझे भी चूहों की तरह मेरे पीछे पीछे चलना है? नहीं जी, बल्कि मुझे तो शक है कि तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो। क्या भला चूहों को बांसुरी की धुन की कहाँ समझ है? बिल्कुल समझ है। ये बांसुरी कोई मामूली बांसुरी नहीं है, इसके जादू के कारण चूहे इसका हुक्म मानते हैं। जब तक बांसुरी में जादू है तब तक मैं सारी दुनिया को लूट लूंगा। पर मैं कैसे मान लूं? क्या एक बार मैं तुम्हारी बांसुरी देख सकता हूँ? कम से कम मेरी जिज्ञासा तो शांत हो जाएगी ना। मैं अपनी जादुई बांसुरी किसी को नहीं देता। हाँ, पर तू तो बच्चा है, चल देख ले। थैंक यू, मैं बस देखकर वापस कर दूंगा। हाँ। नटखट नीटू ने बहाने से बांसुरी वाले से बांसुरी ले ली। अब उसे किसी न किसी तरह उसे नष्ट करना था। ये तो बज ही नहीं रही, लगता है कुछ फंस गया है इसमें। फंसा हुआ निकल जाएगा शायद। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मार मार कर बांसुरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सॉरी अंकल। ये तो टूट गई। तुम नेक इरादे से बांसुरी का जादू इस्तेमाल करते तो देवता बन जाते शायद, पर तुम्हारे इरादे खराब थे, सो अब ना बजेगी बांसुरी ना नाचेंगे चूहे। एक ना एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा।